रियलिटी शो बिग बॉस 17 में शुरुआत में ही काफी धमाल मच रहा है। वैसे तो ये देखा गया है कि घर के अंदर मीडिया को शो के आखिरी दिनों में बुलाया जाता है, लेकिन इस बार तो चार दिन में ही मीडिया घर में आ गई और एक्स जर्नलिस्ट जिग्ना वोरा से तीखे सवाल पूछे। इस दौरान जिग्ना कई बार इमोशनल हो गयी। घर के अंदर बैठकर स्क्रीन पर उन्हें देख रहे मुनव्वर फारूकी और अंकिता लोखंडे की भी आंखों से आंसू निकल आए। जिग्ना ने कई सवालों के जवाब दिए। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि उनके कैरेक्टर पर भी उंगली उठाई गई थी। बिग बॉस 17 का नया प्रोमो सामने आया है। इसमें एक जर्नलिस्ट ने जिग्ना वोरा से पूछा, आपके हाई प्रोफाइल कॉन्टेक्ट्स को काफी शो ऑफ करते, यही चीज आपको ले डूबी है? इस सवाल के जवाब में जिग्ना वोरा ने पलटवार किया, मीडिया में सबके होते हैं, आपके नहीं है क्या? जिग्ना वोरा से अगला सवाल पूछा गया कि कौन सी ऐसी दो बात है जो इतने साल निकल गए फिर भी वो आप भूल नहीं पाए हो? इस पर जिग्ना वोरा ने कहा, जब मेरा लड़का मुझे जेल में मिलने आया, उसने मुझे बोला, मम्मा तू कभी ये सब कर ही नहीं सकती है। उस दिन मैं समझ गई कि मुझे दुनिया को या प्रेस को कोई जरूरत नहीं है जस्टिफाई करने की। एक जर्नलिस्ट ने पूछा, आप मीडिया से नाराज हैं? इस पर जिग्ना ने हाँ कहा। वो बोली, मीडिया की मैं अपनी थी जो मेरे कैरेक्टर पर उछला कि मैं किसी एक्स ऑफिसर से क्लोज हूँ। दुख ये बात का है कि महिला एडिटर और महिला रिपोर्टर ने ही ये बोला कि जिग्ना सोकर स्टोरी लेती है, जो उस लेवल पर पहुंचता है वो सोकर पहुंचता है, तो शायद एडिटर जो बन गए वो ऐसे ही बने होंगे। फिर एक जर्नलिस्ट ने कहा कि जिग्ना सच खुलकर नहीं बोल रही है।